क्या बात है, इतना तैयार होकर किधर जाने का इरादा है? अब तुम दोबारा से शुरू हो गए। तुम्हें पता है ना कि मेरा काम ऐसा है कि मुझे लुक्स का ख्याल करना पड़ता है। मैं तो सब जानती हूँ ना, अच्छे बहाने कर लेते हो वैसे तुम। फरीन प्लीज, अब तुम अपना मूड खराब मत कर। फरीन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। तुम्हें क्या एहसास है मेरे मूड का? अब ऐसे तो मत कहो ना फरीन। खैर छोड़ दो ये बात, बोलो क्या काम है, अब क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? वो आज ना मेरी एक बड़े डायरेक्टर के साथ मीटिंग है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए। अब प्रोजेक्ट बड़ा है तो फिर पैसे भी अच्छे मिलेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये प्रोजेक्ट साइन करके ही आऊं। सोचो ना, तुम्हारा समीर मेन टाइटल पर नजर आएगा। पता नहीं कब होंगी तुम्हारी ये कोशिशें कामयाब। हो जाएगी ना, मुझे तो पूरी उम्मीद है। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है। समीर देखो प्लीज, मुझसे ना पैसे मत मांगना, मैं तुम्हें एक रुपया भी नहीं देने वाली हूँ। मेरी प्यारी बेगम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो अब क्या जायदाद में हिस्सा मांगने आए हो? परीन तुम ना कैसी बातें कर रही हो, जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। और वैसे भी मेरी जायदाद तो तुम, मुझे तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी। समीर अब तुम मेरी गाड़ी भी बेचना चाहते हो? फरहीन समझने की कोशिश करो ना, वो इतना बड़ा डायरेक्टर है, अब मैं उस बाइक पर जाऊंगा तो अच्छा लगूंगा, क्या इमेज बैठेगी मेरी? फरीन मुझे खुद बताओ ना, ये सब मैं किसके लिए कर? तुम्हारे लिए फरीन, ताकि मैं तुम्हें खुश रख सकूं। मेरे दिल की मालिका हो तुम, और मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। लेकिन समीर गाड़ी तो अलीज़े। नहीं नहीं नहीं, मतलब गाड़ी तो घर की है, इसका मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं ले जाऊं? हाँ, तुम इस घर के दामाद हो, जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम ये गाड़ी लेकर जा सकते हो, इसमें ऐसी क्या बात होगी? परीन तुम कितनी अच्छी हो, थैंक यू सो मच। कभी मुझे भी खुश होने का मौका दे दिया करो जिंदगी में। एक नहीं, हजार खुशियां देने का मौका आएगा। अब मैं चलूं? जाओ, गुड लक। थैंक यू।